स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं दिग्गज कंपनी टाटा कॉफ़ी के बारे में। देखिए, आपको पता ही है दोस्तों, टाटा कॉफ़ी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट्स है वो अनाउंस हो चुका है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 26.55% की अच्छी खासी जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 1.65% की ग्रोथ अच्छी खासी हमें इनकी टोटल इनकम में भी देखने को मिली। तो ओवरऑल बात करें तो शानदार प्रदर्शन टाटा कॉफ़ी यहां पर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए इनके चार्ट के अंदर। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने टाटा कॉफ़ी का डेली चार्ट हमने लगाया हुआ है। यदि देखें तो लगातार एक अच्छा खासा मूव इस स्टॉक ने बनाकर दिखाया था। एक शानदार हाई भी ऊपर की तरफ इसने बनाया है 254.35 रुपये का, लेकिन उसके बाद देखें तो गिरावट का सिलसिला यहाँ पर हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 227.15 रुपये पर यह स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक इसमें आप होल्ड यहां पर करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो दोस्तों यहां पर थोड़ा वेट आपको करके चलना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। जी दोस्तों, अगर आप यहां पर फ्रेश बाइंग करके चलना चाहते हैं तो थोड़ा आपको वेट यहां पर करके चलना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, देखिए एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा कर चल सकते हैं, 215.24 रुपये का स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, 215.24 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगा कर चलना चाहिए। यदि एक अपमूव यहाँ से आती है ऊपर की तरफ तो देखिए ऊपर की तरफ टारगेट्स आप इसमें लेकर चल सकते हैं 240 रुपीज़ के टारगेट्स। जी हाँ, 240 रुपीज़ के टारगेट्स जल्द ही आपको अचीव होते हुए दिखेंगे यदि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इस स्टॉक में बनता हुआ दिखता है। तो यही रणनीति आपको अपनानी चाहिए टाटा कॉफ़ी स्टॉक में। आप चाहे तो अपनी खुद के एनालिसिस, खुद के रिसर्च भी करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।